हेलो, वेलकम टू माई फ्रेंड्स, माई डियर स्टूडेंट। तो आज फिर आपके सामने जो है, मैं विज्ञान के जो आंकिक प्रश्न होते हैं या आपका गणित पर कहीं पर भी होता है जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल होता है, जिसमें आपका भिन्न भी आ सकता है, घात भी आ सकती है, दशमलव भी आ सकता है, ये सारी चीज़ों को मैं कैलकुलेशन बताऊंगा, एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा। इसका मैं वीडियो बहुत डाल चुका हूँ, यानी 22 वीडियो डाल चुका हूँ, और 23 वीडियो है आपका, तो यहाँ पर आपका 23 पार्ट आपका ही होगा। और ये आपका आंकिक प्रश्न या जो सवाल होते हैं, सवालों के बीच का गुणा भाग, दशमलव और घात। ठीक है, मतलब जो आपके साइंस में या कहीं पर भी आपको मिलते होंगे, आपको पता ही होगा कि गुणा भाग जोड़ घटाना दशमलव, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको देखिए इस तरीके से होता है, आपका 2.5 है और गुणा इसमें आपका आ गया 1.2 आ गया। अभी मान लीजिए इस तरीके से आ गया, अभी इसमें मैं 10 की पावर नहीं लगा रहा, आप ध्यान दीजिएगा, ये मैं 10 की पावर जो होता है, 10 की पावर 2, -2, 10 की पावर 20, 10 की पावर, इसको मैं 10 की पावर जो है, 10 की पावर को मैं अभी मैं कैलकुलेट करूँगा। इसको आप ध्यान दें, पहले इसको देखते पहले, क्योंकि पहले इसका गुणा कर लेंगे तब हम 10 की पावर को कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले इसको कैलकुलेशन सीखता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा इस वीडियो में, प्लीज़ लास्ट तक स्टे रहिएगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो बाद में डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी बुरा कर दीजिएगा, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी अच्छा करिएगा। इसका मैं 22 वीडियो बना चुका हूँ जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, तो आप भी उसको जरूर देखिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत सारी प्ले लिस्ट है, अपनी मनपसंद प्ले लिस्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड अदर जो भी आपका इंग्लिश की बेसिक क्लास, स्पोकन क्लास या टेंस की क्लास, सभी चलती रहती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पर आपका इसका इसका हम क्या करें, कभी भी दशमलव का जब गुणा आए, दशमलव का क्या आए, गुणा आए, तो आप दशमलव की चिंता जरा सा भी मत कीजिए, जरा सा भी चिंता मत कीजिए। क्या करना है आपको, पूरा इसको पहले गुणा कर लेना है, मतलब इसका गुणा कर लो। गुणा तो आप जानते ही होंगे, चाहे आप इस तरीके से करते हो गुणा, इस तरीके से, और चाहे जिस तरीके से, अगर आप गुणा नहीं करना जानते हैं तेज तरीके से, अगर आप बेसिक तरीके से करते हैं, यानी 2 5 10, 2 2 4, 1 5 करेंगे, और उसके बाद 1 5 2 और 0 5 5 10 और 3, मतलब 300 आएगा इसका गुणा करने। ठीक है, इस तरीके से गुणा करना जानते हैं तो अच्छी बात है। अगर फास्ट तरीके से गुणा करना सीखना चाहते हैं तो मैं अभी इसके प्रीवियस ही वीडियो में डाला हूँ, मानो चलिए 2 4 10 दिन के पहले ही वीडियो पड़ी हुई है, जाके देखिएगा। ट्रिकी सोल्यूशन में आपको गुणा करना सिखाया हूँ फास्ट तरीके से, दो दो संख्याओं का गुणा, 3 अंकों का गुणा, 2 अंकों का गुणा, 4 अंकों का गुणा, एकदम आसान तरीके से मात्र आप 2 3 सेकेंड में कर सकते हैं। वो गुणा मैंने बताया हुआ है, दो वीडियो पड़ी है, एक वीडियो है सबसे अधिक फास्ट तरीके से, एक है आपका कुछ तरीका, उसमें कुछ रूल होते हैं कि 5 किनारे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, उसका वो रूल है, 11 होना चाहिए तब रूल है, लेकिन जो दूसरी वीडियो है उसमें आपका सभी एकदम ऑलराउंडर ट्रिक है। गुड़ा का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसका हम स्क्रीन शॉट यहाँ पर दिखा देंगे, अगर आप ना पता हो तो गुड़ा का वीडियो ये हो सकता है, इसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, दोनों वीडियो इसको आप जाकर के देख लीजिएगा, ये दोनों वीडियो। ठीक है, अगर इन दोनों को देख लेते हैं तो आप जरूर समझ जाएंगे। चलिए गुड़ा मैं फास्ट तरीके से करता हूँ, देखिए फास्ट तरीके से कैसे इसका गुड़ा करता हूँ, गुणा, क्योंकि गुणा आपका आएगा तब इसके बाद आपका 10 की पावर आएगा कुछ ना, इस तरीके से कुछ आएगा, तो उसको 10 की पावर नहीं लें। देखिए 2 5 10, अब क्या करना है, इसको जो मैं करने कैरी रखने के बाद इसको इसका इसको इसका करके मैं जो हासिल होगा जरूर, तो देखिए 2 2 4 और 5 1 5, देखिए 2 2 4, 5 1 5, 5 और 4 9, 9 और 1 जोड़ लेते हैं तो 10, अब 2 1 2 और 1 हासिल फिर आया था, इसको हम 3, मतलब 300 आ गया। ठीक है, इस तरीके से, मतलब किनारे किनारे फिर तिरछा तिरछा फिर किनारे का गुणा कर हो गया, तो ये मैं 300 आ गया। अब बोला था मैं दशमलव मत ध्यान दीजिए, दशमलव नहीं ध्यान देंगे तो क्या करना है आपको, दशमलव आपको बाद में सभी में काउंट कर ले कितने अंक पर दशमलव है। देखिए इसमें कितने अंक पर, हमें दाहिने अंक से इधर दाहिने हाथ से गिनना है दशमलव को, काउंट किधर से करना है, इधर से काउंट करना है दशमलव। देखिए इधर से कितने अंक पर, 1 अंक, इसमें कितने अंक पर है, 1 अंक, दशमलव काउंट करना बताते हैं। देखिए यहाँ पर दशमलव है तो 1 अंक, और यहाँ पर दशमलव है तो 1 2 अंक, यहाँ पर दशमलव है तो 1 2 3 अंक, यहाँ पर दशमलव है तो 1 2 3 4 अंक, और यहाँ पर दशमलव है तो 1 2 3 4 5, और आगे अगर दशमलव है, सबसे आगे ही गिनती पर दशमलव है, यहाँ पर है तो 0 ऐसे ही लगता है, याद रखना, ये दशमलव का हम काउंट डाउन ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ओके,
आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो देखिए मैं करता हूँ, दशमलव इधर से काउंट कर लेता हूँ, इसमें कितने अंक पर, एक अंक, एक अंक हो गया। चलिए इसमें कितने अंक पर, दो अंक, दो अंक है, दो अंक लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है, हो गया काम, दो अंक पर हो गया, मतलब चाहे इसमें लगा दीजिए चाहे इसमें, जहाँ कहीं पर भी हो दो अंक लगा दीजिए, दो अंक लगा दिए मैंने दशमलव, खत्म, मतलब काम खत्म। यहाँ पर आप इसको दशमलव अगर बुरा कर सकते हैं, समझाना हो किसी को तो आप कर सकते हैं, लेकिन दो अंक पर। अब एक बात और समझिए, मान लीजिए यहाँ पर तीन लिखे हैं, तो तीन के बाद आप कोई गिनती नहीं लिखे हैं, तो दशमलव लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप, क्योंकि इधर जीरो है, दशमलव के बाद जब जीरो है और कोई संख्या नहीं है, तो आप दशमलव के बाद संख्या नहीं है तो दशमलव मत लगाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, लगाएंगे तब भी वही, नहीं लगाएंगे तब भी वही। तो ये मैं इसको नहीं लगाता हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं दशमलव लगा दी, मैं इस तरीके से 15 लिखता हूँ, तो ये 15 अभी भी पूरा है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर दशमलव लगा कर जीरो लगाता, एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, तब भी कोई मतलब नहीं, 15 ही बोला जाएगा। तो दशमलव, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, जब गिनती अगर हो वहाँ पर, कोई संख्या, कोई डिजिट हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं समझा चुका, ये तीन ही होगा, 300 था, तीन बन गया। मतलब अगर हम दशमलव, 2.5 और गुणा 1.2 का गुणा करते हैं, तो हमारा तीन आता है, क्या आता है, तीन। ये समझ गए, गुणा आप दशमलव को ऐसे समझ गए होंगे, अच्छी बात है। नहीं समझे तो एक बार मैं फिर से कोशिश करता हूँ बड़ा गुड़ा समझाने की, थोड़ा सा देखिए, ये इस तरीके से मान लीजिए ए आ गया आपका ये, और यहाँ आ गया, ये इतना बड़ा अगर आपका गुड़ा गया, तीन अंक का गुड़ा गया, तो अब क्या करना है, पहले आप दो अंक का गुणा करिए, जब जो आ जाए उसका करिए, मतलब इसी तरीके से करेंगे। आप दो अंक का किसी भी कर सकते हैं, मतलब आप पहले इस किनारे किनारे का कर सकते हैं, इन दोनों का पहले कर सकते हैं, या इन दोनों का पहले कर सकते हैं तब इसमें करें, मतलब किसी तरीके से तीनों का गुणा करना है, पहले दो का ही चयन करना है, दो का, मैं दोनों का चयन कर लेता हूँ उसके बाद इसका गुणा कर देता हूँ, या मैं इन दोनों का गुणा करके मैं फिर उसके बाद इसका गुणा कर देता हूँ बाद बीच में इसको, तो कहीं पर भी करें वो आएगा हमारा वही चीज़। देखिए मैं इसको करता हूँ, दोनों को, दोनों को मैं वैसे ही गुणा करता हूँ। 11 का गुणा कैसे किया जाता है, मैं बीच वीडियो बनाया हूँ पिछली, आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ गुणा का, वो वीडियो देखें, 11 का गुणा करना आप सीख जाएंगे। तो इसको मैं गुणा करता हूँ, देखिए आपका 52 है, और 11 गुणा करता हूँ, 1 मतलब 1 2 कम 2, और अब क्या करना है, 1 5 5, 1 2 कम 2, 5 और 2 7, यह हो गया 7, और 1 5 5, मतलब 572 आ गया। और दशमलव देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर था, मैं यहाँ पर काउंट करता हूँ, अभी आप दशमलव को कोई काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं भी बच इसका, इसका गुणा करें तो बच रहा है 55, 55 का भी गुणा कर लीजिए, 5 2 10, 5 7 35, 35 1 36, 5 5 25, 25 3 28, ये 28 हो गया। और एक कट लगाने के बाद हम फिर वही चीज़ हमें लिखना है, मैं केवल तरीका समझा रहा हूँ आपको, और गुणा करने पर तो 8 2 10, 10 1 11, और 2 1 3, देखिए ये हमारा आंसर आया, ये आ गया हमारा 31460, ये तीनों अंक का दशमलव का गुणा आ गया, इसका गुणा इतना आ गया। अभी मैंने दशमलव पर नहीं लगाया, दशमलव देखिए कैसे लगाता हूँ, एक अंक पर इसमें है, मैंने बोला दाहिने हाथ से कि नहीं, एक अंक पर इसमें, चलिए एक अंक, एक अंक इसमें, दो अंक, एक अंक इसमें, तीन अंक, तो तीन अंक पर आप दशमलव, 1 2 3, तीन अंक के बाद लगा दीजिए, हो गया काम। मतलब आप इसी तरीके से भी लगा सकते हैं, आएगा वही चीज़ इसमें भी, क्यों, देखिए यहाँ पर दशमलव था तो 1 2 अंक हो गया, तो यहाँ पर हो गया, और इसमें था तो 1 2 और 1 मिला करके 3 यहाँ पर, तो वही चीज़ होता है। दशमलव का गुणा आप समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्या 10 की पावर की तरफ, जो 10 की पावर होता है, आखिर इसका क्या, जो इसका खेला होता है आखिर कैसे होता है, कैसे इसको चीज़ें आपको परेशान करती हैं, ये आप समझ जाएंगे कैसे होती है आखिर ये चीज़ें, ठीक है। वैसे इसकी वीडियो बहुत बनाए हुए हैं, आप जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, पिछली वीडियो 22 वीडियो बन चुकी है इसके पहले, देख लीजिएगा। तो देखिए मान लीजिए आपका ये 10 है, क्या है, 10 है, ठीक है, बोल दिया 10 है। अब ये बताइए कितना है, ये दो बोलेंगे कि ये 2 10 है और क्या है, अच्छा ठीक है, इसको आप गुणा करिए, क्या करिए, गुणा करिए, ये 10 था पहले, इस 2 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहने वाला हूँ, समझ में आ गया होगा, ये 10 है और ये 2 10 है, तो इसका मतलब आपका ये 10, ये 2 10 है, ये कितना 10 है, 2 10 है ना, ठीक है, तो 2 10 है, तो आप इस तरीके से इसको तो लिख सकते हैं कि 10 कितनी बार, 2 बार, 10 2 बार, देखिए 10 2 का मतलब होता 100, और 100 यही, चाहे इसको आप, चाहे इसको आप, मतलब इस तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल है, क्योंकि ये 10 धम्मा 100 हुआ, और 100 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, किस लिए लिख सकते हैं आपको पता है, अगर मैं बोलता हूँ ये 10 है और ये भी 10 है और ये भी 10 है, बोलेंगे 1 2 3 10 तो है, तो अच्छा 3 10 है तो मैं 10 का 3 घात तो लिख ही सकता हूँ,
लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अभी आप कहेंगे इसको गुणा तो करिए, 10 धाम 100 धाम 1000 तो ही होगा। ये देखिए मतलब इसको आप समझ गए होंगे कि कैसे पावर हमारा बन रहा है 10 की। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो मैं इसको अगर समझूँ तो इसमें 4 0 है, तो मैं 10 की पावर, अब इसको हमें इस तरीके से लिख सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मुझे ये पता होना चाहिए कि कभी भी आपका 10 की घात 4 लिखा है, 10 की घात 4 लिखा है, तो इसका मतलब हमें पता चल रहा है 1 के साथ उसमें 4 0 है। अगर कभी भी 10 घात 3 लिखा है, तो इसका मतलब 1 के साथ 3 0, जितनी घात लगी हो उतना 0। ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ 10 की घात 5, तो इसका मतलब इसमें कितने 5 आएंगे, 10 बार 5 आएंगे, मतलब ओ सॉरी 5 बार 10 आएंगे। कितनी बार 10 आएंगे, 5 बार आपका 10 आएगा, और 5 बार 10 आएगा तो कितना 0 होगा, 5 0 होगा, 5 0 होगा तो कैसे होगा आपको पता ही हो गया होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अगर यहाँ पर 6 0 होता, मतलब 6 घात, अगर इसका पावर आपका 6 होता, तो इसका मतलब यही होता कि इसमें 10 कितना आता, 6 बार 10 आता, और 6 बार 10 आता तो 6 0 होता। ये चीज़ पता होगी, मतलब हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, जो बिना रूल के नियम के हिसाब से, ये आप समझिए कि कभी भी अगर आपका जो पावर लगा रहे 0 का पावर, यहाँ पर देखिए 1 0 का पावर 4, मतलब 1 के बाद 0 4 बार है, क्या है, 0 4 बार है। अब 10 को मत समझिए, अब 0 को 4 बार समझिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर आपका 2000 क्या 20000 है, क्या है 20000। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं 2 न लिखता तो मैं यहाँ पर, जहाँ पर कोई गिनती नहीं होती वहाँ पर 1 होता है, याद रखिए, जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती वहाँ पर 1 होता है, तो मैं 2 यहाँ पर नहीं लिखूँगा, तो मैं यहाँ पर n 1 लिखूँगा। अब 2 नहीं लिखूँगा तो कहीं ना कहीं तो लिखूँगा, तो कभी भी आप किसी को गुणांक के रूप में निकाल लीजिए तो वहाँ पर 1 बचता है। मैं 2 को यहाँ पर निकाल देता हूँ तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, इसका मतलब ये इस तरीके से होगा, 2 गुणा 1000 बन जाएगा। इसलिए मैंने इसमें सभी में, जैसे 4 है तो 4 में आप इस तरीके 4 गुणा 1 लिख सकते हैं, 8 है तो आप इसमें 8 गुणा 1 लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए 1 लिख सकते हैं। और मैंने बोला है कि किसी भी गिनती में दशमलव आकर 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो दशमलव है या नहीं है कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ पर हम इस, तो ये 2 हो गया, 2 में आप 0 ऐसे ही लगा सकते हैं, ऐसे मैं वैसे ही लगाया हूँ, और गुणा 10 की पावर कितना, 1 2 3 4, तो 10, मतलब 4 0 हो तो 4 घात लगा। ये चीज़ अब समझ में आके आ गई होगी, क्या हम समझाने वाले थे, तो ये चीज़ आपको पता चल गई ना। ठीक है, मतलब कैसे चीज़ें होती हैं, तो 10 की पावर को समझ गए। अब बात फंसती है, माइनस में पावर होती है तो माइनस पावर होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जब ये जो 100 का मतलब 10 की घात 2, 100 का मतलब 10 की घात 2, मतलब 10 2 बार है उसमें, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। तो जब 100 आपकी घात 2 है और संयोग से आपका ये माइनस में है, तो इसका मतलब ये 100 कहाँ है, नीचे है, कहाँ है, नीचे है। ठीक है, 100 कहाँ है, नीचे है, ये समझ गए, तो इसका मतलब ये माइनस में लग जाएगा इस तरीके। देखिए अगर यही चीज़ आपका 100 इस तरीके से होता, तो इसको हम लिखते 1/10 की घात 2, और इसको हम जब ऊपर लाते तो -2। ठीक है, ये इस तरीका, जब नीचे होगा तो माइनस में रहेगा, यानी कि ये इस तरीके से इसको लिखेंगे। और इसको अगर और भी डिटेल लिखते, 10 गुणा 10 लिखते पहले, मतलब 1 10 गुणा 10, 100 और 100 को मतलब सेम, मतलब माइनस का मतलब वो नीचे है। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप समझ गए, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्या चीज़ें मैंने लिखा है, एक बार स्क्रीन शॉट लेकर समझ लीजिएगा। ओके, चलते हैं आगे, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जो हो सके कर दीजिएगा, बाकी आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद जो चीज़ें प्रोसेस है मैं बताता हूँ। मान लीजिए कि आपका ये 5 है, क्या है, 5 है, तो आप इसको 10 की घात -5 लिखेंगे। ये चीज़ मतलब माइनस में था तो हमें समझ में आया कि वो नीचे था, नीचे नहीं था, ये गलत सोच है आपकी, नीचे नहीं था, नीचे तो था ही। ये सोचिए कि अब आपका अगर माइनस है ऊपर है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर माइनस है में नीचे लिखना हो तो प्लस में लिखा जाएगा। तो रूल यही कहता है कि अंश और हर, जो अंश होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आपका जो होता है, अंश और हर, ये दोनों अगर आपस में कभी भी इधर का इधर और इधर का इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस में चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, क्या घात, घात आपकी प्लस माइनस और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है।
आंसर और हर में जाती हैं। तो देखिए नीचे पांच घात क्या था, प्लस में था, और यहाँ का चला गया तो माइनस। अब बोलेंगे प्लस में कैसे था, किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट में अगर कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। मतलब कि आपको अगर माइनस नज़र ना आए तो क्या होगा आपको? प्लस। यहाँ पर आपने 16 लिख दिया, बोले किस में है तो बोलेंगे पता नहीं, तो इसमें प्लस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? प्लस। अगर इसमें ऐसे माइनस लगा होता तो अब तो प्लस आप बोलते ना, तो माइनस ही बोलते ना। तो जब माइनस ना बोले तो समझो क्या है, प्लस है। जब माइनस ना बोले तो क्या है, प्लस है। और एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि अगर इसमें कोई आपको संख्या अकेली दिखे जिसके नीचे एक होता है, क्या होता है? एक मतलब वन होता है। नीचे एक होता है आगे प्लस होता है, नीचे एक होता है आगे प्लस होता है। इस तरीके से 17 है तो 17 में आगे प्लस है और नीचे एक है, मतलब कोई भी संख्या अंश हर में रहती है उसका हर वन होता है। ठीक है, ये आपका प्रमेय संख्या के रूप में बताया जाता है। ओके, समझ गए होंगे बात को। तो ये चीज़ को समझ गए। तो हमने बताया कि घातें जब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे अगर होती हैं तो आपकी क्या होगी, घातें इंटरचेंज हो जाएंगी, आपस में बदल जाएंगी। यानी प्लस होगा तो प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पर ये प्लस था, ये माइनस हो गया। संयोग से आपका ये 10 की घात -12 है। और अब ये देखिए ये कहाँ पर है, समझिए कहाँ पर है, ये ऊपर है अभी, कहाँ है? ऊपर है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे। तो ये हो जाएगा नीचे। तो अब कहानी समझ गए होंगे कि इस माइनस का मतलब वो नीचे था। क्यों नीचे नहीं था? उसको जब हम ऊपर से नीचे ले जाएंगे तभी तो माइनस होगा, नहीं तो अपनी जगह पर रखेंगे तो कोई माइनस, मतलब कोई नीचे की बात नहीं। अभी इसको बोले कि मैं नीचे था, कहाँ था? नीचे था। तो नीचे क्या था, मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ तो अभी नीचे कैसे मानूंगा उसको? जब नीचे ले जाऊँगा तभी उसको हम प्लस में लिख दूंगा। तो माइनस कहाँ हुआ, ये तो माइनस यहाँ पर था, बोलो यहाँ पर माइनस हो तो नहीं है। तो लेकिन समझने वाली बात यही है कि जब ऊपर लिखा हो माइनस में तो नीचे होगा तो प्लस में। इसका मतलब जब ऊपर माइनस में लिखा है तो उसको समझे कि कहाँ है वो, हर जो है हर वाली वो घात है। तो ये चीज़ आपको समझ में। अब घात का और चीज़ हम समझ लेते हैं। ये घात जो घातें होती हैं, 10 की घातें हों चाहे जिसकी घातें हों, हमारा ये 10 की घात 5 है और 10 की घात यहाँ 6 है। इस तरीके से जब ये दोनों गुणा में हों, जब कभी भी ये बेस आपका आधार जो है एक ही होना चाहिए, मतलब ये भी 10 का है 10, तो अभी ये गुणा में हो तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, चाहे आप इसके बाद ये अभी इतनी बार हो। तो 10 की घात ये 5 और ये 6 और ये 7, मतलब तीनों जोड़ लेंगे तो हमारा 10 की घात 6 5 11 7 18, 10 की घात 18 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ आपका अगर भाग में होता, क्या होता? भाग में होता तो मैं 5 6 5 11 11 में से मैं 7 घटा लेता तो हमारा हो जाता क्या, 4 हो जाता। तो यहाँ पर आपका प्लस ना हो करके माइनस हो जाता, क्या हो जाता? माइनस। तो गुणा में हो तो घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में हो तो घातें जुड़ जाएंगी, और भाग में हो तो घाते घट जाएंगी। याद रखना है, भाग में हो तो घाते घट जाएंगी, ये घात का काम है। मैंने यहाँ पर बता दिया है पूरा प्रोसेस। ठीक है, जैसे देखिए अब काम बताता हूँ, 10 का मैं 10 का घात आज बताऊँगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो फिर जो आएगी तो उसमें मैं हल कराऊँगा कोई न्यूमेरिकल, मतलब कोई पार्ट लेकर के। मैं आज यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। देखिए यहाँ पर ये 10 की पावर 15 है, गुणा 10 की पावर यहाँ 2 है और 10 की पावर यहाँ पर 10 है। अब इसको हमें हल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं एक वैसे लिख दे रहा हूँ, कोई क्योंकि कोई संख्या नहीं तो मैं एक वैसे लिख दे रहा हूँ, और गुणा में एक लिखने के बाद मैं 0.0 वैसे ही लगा रहा हूँ। एक मैंने वैसे लिखा, 0.0 वैसे लगाए, कोई दूर। अब हम इसको लिखते हैं, एक वैसे लगा इसको, मतलब 10। देखिए 15 और 2 ऊपर ऊपर ही है, क्या है? ऊपर ऊपर ही है। तो ये प्लस में है, प्लस में जब बराबर है तो जुड़ जाएंगे, तो 15 और 2 17 हो जाएंगी। देखिए 15 और +2 कितना हो जाएगी, 17। ये नीचे है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस में है तो माइनस में, मैंने बोला बदल जाएंगी तो 10 माइनस में हो जाएगा। तो मैं एक इसको मैं कैसे लिखूँगा, 10 घात 15 2 17, 17 में 10 गया तो 7 बचेगा किस में, प्लस में, क्योंकि 17 माइनस 10 इसे जब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 की घात 7। इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगी। तो ये घातों का खेल था। लेकिन संयोग से अगर आप एक ये ऊपर ही माइनस में होता, मतलब ये प्लस में माइनस में है, तो क्या होता? तो ये चीज़ मैं माइनस में लिख देता, क्योंकि अपनी जगह पर ही है। जब जगह छोड़े नीचे ऊपर ऊपर नीचे तभी बदलिए, नहीं बदलने के कोई रूल नहीं है। तो ये माइनस में, तो मैंने इसको माइनस में लिख दिया। अब कोई दिक्कत नहीं, 15 2 ये भी घटेगा और ये भी घटेगा, या इन दोनों को घटा कर मतलब जोड़ करके इसको घट, क्योंकि ये दोनों एक ही हो गई, अब एक ही हो गई तो इसको जोड़ कर घटा दीजिए। तो 10 2 12 12 में से 3 गया तो आपका हो जाएगा 10 की घात, और ये सॉरी 15 में से 10 12 मतलब 3 आ जाएगा, कितना, 10 घात 3। तो ये चीज़ अगर माइनस हो जाती है तो
इसको आप समझ गए 10 की पावर इस तरीके से हल करना है। तो अगली वीडियो फिर मिलेगी, मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट भाई बच रहा है मैं धीरे धीरे करके तो उसको मैं हल कराऊंगा। प्लीज़ उसको जरूर देखने के लिए कमेंट कर देना कि सर उसका वीडियो लेकर आई, कमेंट आपको जरूर करना है उसका वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं अच्छी तरीके से हल पूरा न्यूमेरिकल मैं हल करवा कर सिखाऊंगा और हर एक पार्ट का मैं जो बेसिक चैप्टर वाइज सोल्यूशन न्यूमेरिकल का करा रहा हूँ आपका पूरा। एक बार तो मैं ख़त्म कर चुका हूँ फिजिक्स का केमिस्ट्री का, तो फिर से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का स्टार्ट किया हूँ। क्लास ज्वाइन कर लीजिए, डेली एक एक वीडियो मिलती रहेगी, जरूर आप स्टे ये देखिए मिल जाएगी। तो मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं विदा, फिर मिलेगी कोई नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की वीडियो आपको जरूर मिलेगी, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो मिलेगी, लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ भी मिलेगी। तो यार क्या देर करना, प्लीज़ सपोर्ट करना, आपको हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सही ज्ञान देंगे जो कुछ भी हो सकेगा हमारे बस की बात जो भी है, पर आपको कमेंट जरूर करना है। ओके चलते हैं, फिर मिलेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो, जरूर स्टे रहिएगा, आ जाइएगा। ओके गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू। We'll be right back.